हेलो मित्रों, मैं अनीश क्विक इंश्योर फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमने वीडियो में ये देखा कि थर्ड पार्टी जीसीबी का इंश्योरेंस क्विक इंश्योर मोबाइल ऐप से कैसे करना है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी पीसीवी यानी कि पैसेंजर कैरिंग व्हीकल का इंश्योरेंस क्विक इंश्योर मोबाइल ऐप से कैसे करें। तो थोड़ा सा पीसीवी यानी कि पैसेंजर कैरिंग व्हीकल के बारे में जान लेते हैं। पीसीवी में बहुत सारे अलग अलग व्हीकल टाइप्स आते हैं, जिसमें रिक्शा, कैब, टैक्सी या फिर बस इत्यादि आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने क्विक इंश्योर मोबाइल ऐप में लॉगिन किया है। आपको थर्ड पार्टी आइकॉन पे क्लिक करना है और नीचे दिए गए प्लस आइकॉन को प्रेस करना है। अब हम व्हीकल डिटेल्स पेज में हैं। हमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन से पैसेंजर कैरिंग यह ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको गाड़ी की सही कैटेगरी चूज करनी है, जैसे कि टैक्सी, बस, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर इत्यादि। अगले फील्ड में हमें सब कैटेगरी हमेशा पब्लिक रखनी है। पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स हमेशा पब्लिक सब कैटेगरी में ही आएंगे। अगली फील्ड में आपको गाड़ी का सही मेक और मॉडल सिलेक्ट करना है और सही फ्यूल टाइप सिलेक्ट करना है। इसकी जानकारी आपको कस्टमर के आरसी यानी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से मिल जाएगी। अब हमें सही सब मॉडल सिलेक्ट करना है। आप कस्टमर के आरसी से सही सब मॉडल सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप सही सब मॉडल चुनेंगे, गाड़ी की क्यूबिक कैपेसिटी और सीटिंग कैपेसिटी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। पीसीवी में सीटिंग कैपेसिटी सही होना बहुत जरूरी है, तो कृपया आरसी की सीटिंग कैपेसिटी और ऐप में जो मॉडल अपने सिलेक्ट किया है उनकी सीटिंग कैपेसिटी मैच करिए। अब हमें सही आरटीओ चुनना है और आरसी की मदद से सही रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है। सब सही इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हम इंश्योरेंस डिटेल्स पेज में है। आपको यहाँ पे सही कस्टमर टाइप सिलेक्ट करना है। यदि आपकी गाड़ी किसी कस्टमर के नाम पे है तो आपको इंडिविजुअल ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और अगर आपकी गाड़ी किसी कंपनी के नाम पे है तो आपको कंपनी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आपको सही प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायरी डेट आपकी पुरानी पॉलिसी से देख के भरनी है। अगर आपकी प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर्ड नहीं है तो आपको प्रीवियस इंश्योरर का नाम भरना अनिवार्य है, और अगर प्रीवियस पॉलिसी एक्सपायर्ड है तो प्रीवियस इंश्योरर का नाम भरना जरूरी नहीं है। पीसीवी सेक्शन में अननेम्ड पैसेंजर कवर कंपलसरी होता है। अगर गाड़ी का ओनर खुद गाड़ी चला रहा हो तो आप ओनर ड्राइवर कवर ले सकते हैं, और पेड ड्राइवर कवर यह कंपलसरी कवर है, तो यह ऑप्शन हमेशा ऑन रहे। अब हम गेट कोट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। गेट कोट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप कोटेशन कंपैरिजन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अलग अलग कंपनीज के कोटेशन दिख रहे हैं। मैंने यहाँ रिलायंस कंपनी का कोटेशन सिलेक्ट किया है। हमें यहाँ प्रीमियम ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। कोटेशन चेक करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। अब हम कस्टमर डिटेल्स पेज में हैं। हमें यहाँ कस्टमर की डिटेल्स फिल करनी है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब हम एडिशनल डिटेल्स पेज में हैं। एडिशनल डिटेल्स में आपको गाड़ी का पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और चैसी नंबर भरना है। अगले फील्ड में आपको नॉमिनी डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि नॉमिनी का पूरा नाम, एज और नॉमिनी रिलेशनशिप। सही इंफॉर्मेशन भरने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब हम फॉर्म समरी पेज में हैं। अब यहाँ पे हमें फॉर्म समरी दिख रही है। डिटेल्स कंफर्म करने के बाद आप शेयर ऑप्शन से पेमेंट लिंक शेयर कर सकते हैं, या फिर पे नाउ ऑप्शन पे पॉलिसी का पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपके और आपके कस्टमर के ईमेल आईडी पे पॉलिसी रिसीव हो। अगर आप बाद में पॉलिसी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बिजनेस सेक्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई पिछले साल का रिन्यूअल हो तो आप रिन्यूअल ऑप्शन से भी देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।